गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो इस चैप्टर का चैप्टर फोर पढ़ रहे थे हम लोग, और चैप्टर फोर में एक आखिरी टॉपिक बचा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हम बार बार इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यूज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड में करेंगे. इलेवेंथ ही में नहीं, हम लोग ट्वेल्थ में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यूज़ करते हैं. ठीक है, सो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जो बार बार आपको यूज़ होगा, इसलिए आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है. ठीक है, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली कोवेलेंट कंपाउंड्स में होते हैं, और उस कोवेलेंट कंपाउंड में एक हाइड्रोजन एलिमेंट तो होना ही चाहिए, तभी तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा. हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल रहे हैं मतलब वो जो मॉलिक्यूल है उसमें एक जो एलिमेंट है वो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा. पर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि वो जो मॉलिक्यूल है उसमें कोई ना कोई एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना ही चाहिए. ठीक है, क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल शुड कंटेन हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट. ठीक है, मॉलिक्यूल में एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, तभी उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी. अब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब उसमें या तो फ्लोरीन होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए या ऑक्सीजन होना चाहिए. ये तीनों ही एलिमेंट जो हैं ये बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, याद है आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स कैपेबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, क्या होता है कि कुछ कुछ जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पहला क्राइटेरिया क्या है कि जो मॉलिक्यूल है उसमें कोई ना कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए जो बहुत ही हाईली हो, जैसे फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन. इन तीनों में से कोई एक ना एक एलिमेंट प्रेजेंट होना ही चाहिए उस मॉलिक्यूल में, तभी वो मॉलिक्यूल क्या शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है. ठीक है, और दूसरा है साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल. बड़ा नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए. ठीक, तो ये दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, कि पहला क्या है कि उस मॉलिक्यूल में कोई ना कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका साइज बहुत ही छोटा होना चाहिए, तभी उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होगा. ठीक है, तो अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है, तो क्या होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ HF का, हाइड्रोजन फ्लोराइड. ठीक, हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन भी है और एक फ्लोरीन है विच इज़ अ वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो HF जो है इट शोज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. कैसे शो करता है, जो HF है इनके बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है. अब फ्लोरीन इट इज़ वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सो वी क्या करेगा, अपनी तरफ इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. सो इलेक्ट्रॉन अब किसकी तरफ शिफ्ट हो गया है, फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया, तो इसमें स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पर ज़्यादा हो गए तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई इसलिए पॉजिटिव चार्ज हो गया. क्लियर हो गया ना, जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो उसको हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है तो हम उसको पॉजिटिव साइन से शो करते हैं. सो HF में इस तरीके से क्या हो जाती है, पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, यहाँ पर पोलर बॉन्ड हो गया यहाँ पर. ठीक है, अब सपोज आपके पास ऐसा एक बीकर है, उसमें HF है, तो इस HF एक लिक्विड है, HF लिक्विड फॉर्म में होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली. सो आपने एक बीकर लिया, उस बीकर में HF है. ठीक है, अब एक HF थोड़ा ना होगा इसमें, अगर आपके पास 1 ml सपोज HF है तो उसमें बहुत सारे HF के मॉलिक्यूल्स होंगे ही नहीं. सो इस तरीके से ये HF का दूसरा मॉलिक्यूल है, ये भी ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. वैसे ही यहाँ पर भी दूसरा HF का मॉलिक्यूल है. ठीक, तो ऐसे HF के बहुत सारे मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होंगे, है ना. तो अब देखो ये नेगेटिव चार्ज होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक छोटा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा जिसको हम इस तरीके से डैश्ड लाइन से शो करते हैं, है ना. नेगेटिव और पॉजिटिव तो आपस में इनके बीच क्या हो जाएगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम डैश्ड लाइन से शो करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड.
क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन बॉन्ड। सो ये यहाँ पर डेवलप हो गया, समझ में आया क्यों हो रहा है, क्योंकि एच एफ जो है एक पोलर बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर। एच एफ जो है इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये स्लाइटली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ऐसे सारे मॉलिक्यूल में होगा, जितने भी एच एफ के मॉलिक्यूल इस बीकर में प्रेजेंट है सब में इस तरीके से पोलराइजेशन हो जाएगा। और इस पोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव, तो ये एक एच एफ का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा एच एफ का मॉलिक्यूल है, ये तीसरा, इनके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। सो क्लियर हुआ किस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है एच एफ के मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। इसी वजह से जो एच एफ होता है ना, इट इज़ लिक्विड, बाकी जितने भी हाइड्रोजन के हैलाइड्स होते हैं ना, लाइक एच सी एल हो गया, एच आई हो गया, ये सब गैसियस फॉर्म में होते हैं। एच सी एल, एच आई, ये सब कौन से फॉर्म में है, गैशियस फॉर्म में है, जबकि एच एफ क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और इसके लिक्विड फॉर्म में होने का रीज़न ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसलिए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के क्या आ गए, पास आ गए। और जब मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे तो वो कौन से फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास होते हैं, जबकि एस सी एल क्या है, वो गैस है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है। एच आई में भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है, जबकि एस सी एल में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसलिए ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक, क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के पास आ गए और इसलिए लिक्विड फॉर्म में हो गया है। सो क्लियर हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, बिकॉज एक जो एलिमेंट है इट इज़ अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसी वजह से इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो दो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच एक बॉन्ड बन गया है ना, दो अलग अलग पोल्स हैं और दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो बॉन्ड बना लेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसको हमेशा डैश्ड लाइन से शो करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये हमने हाइड्रोजन बॉन्ड देखा एचएफ में। अब हम लोग ऐसे NH3 में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, एक एक करके हम लोग सारे मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, दो टाइप्स के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। सो पहले देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या लिखा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। सो व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है, तो उस समय क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, सेम कंपाउंड के भी हो सकते हैं और अलग अलग कंपाउंड के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम एग्जांपल देखेंगे किस तरीके से सेम कंपाउंड के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। सो इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब ये मॉलिक्यूल सेम कंपाउंड के भी हो सकते हैं और डिफरेंट कंपाउंड के भी हो सकते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल है वाटर, अमोनिया और एच एफ। तो एग्जाम्पल अमोनिया से देखते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा अमोनिया। अब देखो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, सो हमने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एक जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन तो होगा ही, दूसरा एलिमेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन में से कोई एक होना चाहिए, तभी वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। सो अमोनिया में हाइड्रोजन भी है और नाइट्रोजन भी है, तो यहां पर भी क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। सो ये क्या हो जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि दिस वन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इस तरीके से खींचेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल है अमोनिया का सपोज, ठीक है, सो उसमें भी यही केस होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो ये इन दोनों के बीच क्या होगा, ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच यहाँ पर क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। सो सेम कंपाउंड के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, है ना, कंपाउंड तो सेम है, अमोनिया अमोनिया, पर सेम कंपाउंड के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर और हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, यहाँ पर दूसरा अमोनिया होगा, इधर और हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। तो जितने भी अमोनिया एक बीकर में है, सपोज इस बीकर में 10 ml अमोनिया है, तो आपस में वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, उनके बीच क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। सो इस तरीके से अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड
प्रेजेंट हुआ। ठीक है, एग्जाम में आता है कि अमोनिया में किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको एक्सप्लेन करो, तो आपको ये डायग्राम बना के ये सब बताना पड़ेगा कि अमोनिया में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, और उसको डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सो ये हो गया अमोनिया। वाटर में भी इसी तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ओके, सो देखो यहाँ पर वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, अब इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा, ये ऑक्सीजन है, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। उसी तरीके से यहाँ पर ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज। सो देखो यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, इनके बीच क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड। वैसे ही इसको मैं यहाँ बना देती हूँ, तो इनके बीच भी क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से वाटर में भी क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या क्राइटेरिया मैंने दो बताया, पहला तो एक हाइड्रोजन एलिमेंट होना चाहिए, और दूसरा कोई कंपाउंड क्या होना चाहिए, एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट होना चाहिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर फ्लोरीन। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का साइज भी छोटा होता है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये दूसरे वाटर के जो मॉलिक्यूल है उसके साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये डेल पॉजिटिव हो जाएगा। सो क्लियर हुआ, ये डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव आपस में क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। सो इस तरीके से वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाता है। क्लियर हुआ, सो ये अमोनिया और वाटर का एग्जाम्पल है। एग्जाम में कभी कभी सिंपल ये भी आ जाता है कि ड्रॉ दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया या फिर वाटर। क्लियर हुआ, अब अगला हम लोग पढ़ेंगे, इंटरमोलिकुलर पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर ही, है ना। सो व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस विद इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में ही हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, विद इन अ मॉलिक्यूल इटसेल्फ, तो वहाँ पर होगा इंट्रा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही होगा, उसमें ही हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अभी क्या हम देख रहे थे, दो अलग अलग मॉलिक्यूल से, वाटर के दो मॉलिक्यूल से उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था। ठीक है, अभी एक ही मॉलिक्यूल होगा और उसी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि इट टेक्स प्लेस इन अ कंपाउंड कंटेनिंग टू फंक्शनल ग्रुप, उस कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। हमने 10th में पढ़ा है फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, ये सब पढ़ा है क्लास 10th में। तो वैसे ही उस मॉलिक्यूल में दो फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, पहला है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इसमें किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसमें भी देखो दो ग्रुप है, एक नाइट्रो ग्रुप है और एक OH फिनॉल। ठीक है, इसमें भी दो ग्रुप है। सो ये कैसे में होता है, इंट्रा मॉलिक्यूल ऐसा जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, और उस फंक्शनल ग्रुप में क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए, और दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन। सो देखो इसमें ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, तो इसमें किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक, सो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो ये हो जाएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और ये हो जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। वैसे OH में भी O जो है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आपस में क्या बना लेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। सो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो ये मॉलिक्यूल्स में ही बना है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल में नहीं बना, उसी मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या बन गया है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है, आपस में ये क्या बना लिए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, H2O में क्या था, NH3 में क्या था, दो मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बना था, एक मॉलिक्यूल ये एक मॉलिक्यूल ये, पर यहाँ पर वो केस नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, दूसरा है इसका नाम था ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, दूसरा है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, क्या नाम लिखा है, सैलिसिलिक एसिड, SALICYLIC, सैलिसिलिक एसिड, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। ठीक है ना, क्या क्राइटेरिया था हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, कि उसमें एक हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरा उसमें कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन
ऑक्सीजन, तो यहाँ डेल पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर डेल नेगेटिव, क्योंकि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। सेम वही हो जाएगा यहाँ पर भी, होगा कि नहीं, ये स्लाइटली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये स्लाइटली पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। सो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इन दोनों O और H के बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। सो दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म विद इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर, एंड दिस इज अ इंटर मॉलिक्यूलर। जैसे होता है ना इंटर स्कूल, मतलब दो डिफरेंट स्कूल के बीच में, और इंट्रा स्कूल मतलब स्कूल के अंदर ही, तो वैसे ही है ये इंटर और इंट्रा। इंटर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, और इंटर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, और इंट्रा मतलब उसी मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ना मेन दिक्कत, मेन जो है बीपी और एमपी बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है किसी भी एलिमेंट का, तो वो हम आगे पढ़ेंगे इसका यूसेज क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। पर अभी आपको पता चल होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, वो कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है, अगर हाइड्रोजन किसी एक ऐसे एलिमेंट से कनेक्टेड है जो बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब ये दो टाइप के होते हैं, इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, और इंट्रा मतलब उसी मॉलिक्यूल्स में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो रहा है, अब हम अगली क्लास से चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। बट एक छोटा सा, आपके क्वेश्चन पेपर जो है चेक हो गए हैं, हो रहे हैं, मतलब 10-11 लोगों के चेक कर लिए हैं, तो मैं देख रही हूँ कि जो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो बेसिकली आपने इंटरनेट से सर्च करके आंसर लिख दिया है, क्योंकि ना इंटरनेट पे आंसर कुछ कुछ गलत भी हैं, है ना, आप उसको जब खुद से कैलकुलेट करके देखोगे ना तो आपका आंसर आपको समझ में आएगा। कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं कि इंटरनेट से, मैंने भी कुछ क्वेश्चन इंटरनेट से लिए हैं, पर मैंने उस क्वेश्चन का ना फॉर्मेट चेंज कर दिया। ठीक है, पर आपने क्या किया, वो जैसा एज इट इज़ लिखा है इंटरनेट पे उसको लिख दिया है, जबकि मैंने क्वेश्चन का फॉर्मेशन ही चेंज कर दिया था थोड़ा सा वहाँ से हिंट लेके। तो आप ये मत समझना कि टीचर को कुछ समझ में नहीं आता है, हम भी इंटरनेट यूज़ करते हैं, हमको भी पता है कहाँ पर किस में आंसर सही दिया है, किस में आंसर गलत दिया है, कौन टाप के लिख रहा है और कौन अपनी मेहनत से लिख रहा है, वो क्लियरली दिखता है क्वेश्चन आंसर पेपर में आपके। ठीक है, तो जैसा भी है आप, मैं पहले भी बोलती हूँ, जब आप चीटिंग करते हैं तो यू आर नॉट चीटिंग विथ मी, यू आर चीटिंग विथ योर सेल्फ। और खुद से बनाएंगे ना तभी तो मुझे समझ में आएगा, अच्छा भाई बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, मुझे उसको और एक्सप्लेन करना है। तो आप चीटिंग करके बना लेंगे तो ना मुझे कुछ समझ में आएगा, ना आपको भी कुछ समझ में आएगा। तो ट्राई करो कि बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, ओके, मेरे से ऑनेस्टी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप से ऑनेस्टी दिखा, जो पर्सन अपने आप से ऑनेस्टी दिखाता है ना वो सबके साथ ऑनेस्ट रहता है। सो बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, डोंट चीट, चीटिंग करने से किसी का फ़ायदा नहीं हुआ है, ना ही कभी होगा, कब तक चीटिंग करके बच जाएंगे आप, कभी नहीं, है ना। सो प्लीज़ वर्क हार्ड एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बाई योर सेल्फ एंड वॉच द वीडियोज, इफ यू हैव एनी डाउट इन द वीडियो जस्ट कॉल मी, लेट मी नो वट इज़ द प्रॉब्लम, ओके। सो ट्राई कीजिए, क्वेश्चन को बार बार बनाइए, और इस वीडियो में कोई डाउट हो तो जस्ट बताइए। ठीक है, थैंक यू।